व्यस्त थे, शंकरा जी शंकराचार्य जी के पास थे, यहाँ सुनील जी का थोड़ा हाल गड़बड़ाहट हो रहा था, तो उनको देख के मुझे एक शेर याद आया कि निगाहें दर पे लगी हैं, उदास बैठे हैं, किसी के आने के लेकर के आस बैठे हैं, और जब वो आ गए कि वो इस कदर मायूसियों के बाद मिले, यकीन ही नहीं आता कि पास बैठे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। हम मिले बहुत हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ, ये आपको पता है, और मेरी धर्मपत्नी भी आपके आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपका जी, मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूँगा आपके ऊपर, कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, जो मेरे मन के अंदर सवाल हैं वो आपसे पूछता हूँ। आपकी लोकप्रियता का राज क्या है? वैसे मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, मैंने इसीलिए पूछा। थोड़ा सा अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। जो बहुत ज्यादा चिंता करता है भविष्य की, वो बड़ा जीवन में अस्वस्थ होता है। वैसे भी मैं मोपट हूँ, साफ हूँ, क्लियर हूँ, पर एक बात जरूर है कि मैं दिल से नागपुर के लिए, तो विशेष रूप से मैं नागपुर का लोकसभा सदस्य हूं, तो मैं दिल से, पॉलिटिकली नहीं, मैं नागपुर को अपना परिवार मानता हूं। और मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप शनिवार रविवार क्यों नागपुर में, तो आपने अभी दिल्ली में हो, राष्ट्रीय राजनीति में हो, और आपका यहाँ बहुत काम है, तो मैंने कहा ये नहीं हो पाए। इसका कारण, मैं सामाजिक सेवा के प्रकल्प में चलाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और मुझे कभी कभी मेरा यह कारण है, मिलने का दिन होता है, तो जनरली मैं जो अच्छे रिपोर्टेड लोग होते हैं रश में आने में, तो 2 बजे के बाद बुलाता हूँ, और 11 बजे मेरा कार्यालय खुलता है। तो मैंने इनको कहा कि कार्यालय को मैं सबको चाय पिलाऊं, तो जिस दिन मेरा होता है वो 130 लीटर दूध उन्होंने खरीद के लाया, चाय बनाया, तो 1 घंटा पहले ही चाय खत्म हो गया। तो फिर मुझे उनने कहा क्या करना, मैंने बोला सामने टपरी वालों से बुलाओ, क्योंकि आधे लोगों को मिला, आधे के लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा अच्छा नहीं होगा। तो लोगों के साथ जो मेरा सहवास है, संबंध है, संपर्क है, और लोगों को भी मेरा स्वभाव मालूम है, झूठ नहीं बोलता, न होने वाला काम मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, कोशिश करेंगे बात करता नहीं, हाँ बोलता हूँ या ना बोलता हूँ, तो लोगों को भी अच्छा हुआ। दूसरा, मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा पार्टी डिस्क्रिमिनेट नहीं की। आने वाले लोग कभी कभी मेरे विरोधी भी आते हैं, जो मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, तो उनका भी काम है। तो एक रूप से ये जो नेचुरल डाउन टू अर्थ एक छोटे व्यक्ति जैसा मेरा संबंध सबके साथ है, दैट इज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ माई पॉलिटिक्स एंड माई पोलिटिकल करियर, और उसी के कारण लोगों में काफ़ी ये प्रेम भी है मेरे बारे में। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर, वैसे मैं कोविड में था, तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि होट चाहिए, यही काम कर रहा हूँ, उस समय मैंने थोड़ा बहुत किया, पर मुझे लोगों ने काफ़ी सहायता की, 100 करोड़ की चैरिटी उस समय करने समय मैंने पूरे विदर्भ में वेंटिलेटर्स, कॉन्सनट्रेटर्स, एम्बुलेंस, रेमडेसिविर, फंगस के इंजेक्शन, जो जो लगता था वो करते थे, कभी मेड़घाट में करते थे, कभी बुल्ढाणा जिले में, अकोला, वाशी। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी राजनीतिक स्वार्थ है वहाँ तक ही काम करें। अब मैं एकल विदेश के लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है, अभी वो मेरा बहुत अच्छा हमारा प्रोजेक्ट है, 28,000 बच्चे हम पिछले 24 साल से पढ़ाते हैं, और वो जो स्कूल है एकल विद्यालय, वो सिरोंछा, इटापल्ली, अहेरी, पूरी बैकवर्ड एरिया में है, और हमारे 1300 शिक्षक हैं, और 1 रुपये भी अभी तक हमने ग्रांट नहीं ली सरकार से, और जो सिखाते हैं वो जो सिलेबस ऐसा है कि नखून साफ करना, अखबार पढ़ना, दांत कैसे अच्छे साफ करना, तेल लगा कर बाल कैसे निकालना, साबुन लगाना, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है। उनको आदिवासी मेड़घाट में काफ़ी ऑपरेशंस हुए वहाँ अलग अलग प्रकार के, डॉक्टर कापरे करके उनको हम लेके गए वहाँ, हमने इतने 4,000-4,500 ऑपरेशन किए। तो वहाँ ये सब काम करते समय कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया,
और लगभग तो मैं पॉलिटिकल करता ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो जरूरतमंद है वही तो अपने आता है, तो उसका काम करते जाओ, हो सकता है तो जितने होगा लोगों की मदद करो। तो यही भाव है जिसके कारण जैसे मैं लोगों को अपना समझता हूँ वैसे धीरे धीरे लोग भी मुझे अपना समझते हैं। यही उसकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आज मंच पर अनुपम खेर नितिन गडकरी जी से एक्टिंग करवाने वाले हैं। सर राजनेता अभिनेता होती ही है, राजनेता ही नहीं है। मैं बताऊंगा आपको अभिनेता और राजनेता में क्या फर्क होता है, बट ये डायलॉग पूरा कर लें। एक्शन एक वो तो मैं दीवार का डायलॉग बहुत फेमस है, पर एक मुझे याद था शत्रुघ्न सिन्हा के पिक्चर में। अच्छा, जेली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनती है उसे विश्वनाथ कहते हैं। हम लोगों का जो धुलाई होती थी, मारपीट होती थी, उसी में इंटरेस्ट था। मैंने बहुत सारी पिक्चरें तो एक अमिताभ बच्चन की बात छुट गई जी। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि मैं बहुत पसंद करता था दीवार, जंजीर, और मैंने कहा ये आपको कभी भूल नहीं सकते। बोले नितिन जी मेरी फिल्म चलती तो लोग साल भर याद रखते हैं, और गाने अच्छे होंगे तो 2 साल याद रखते हैं, पर हम मुंबई वाले रोज जाते बाहर, तब 55 फ्लाईओवर वर्ली बन रहा, और कभी मुंबई पुणे हाईवे से आपको 100 साल याद रखते हैं। आओ जी, आप ये फिल्म की बात छोड़ो, हम आपको याद रखते हैं।